ईद उल फितर मुसलमानों का खुशियों भरा त्यौहार है। ये रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने पर यकम शवाल को पूरी इस्लामी दुनिया में नहायत अकीदत एहतराम से मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और नशमिल, आप कुछ कहना चाहेंगी? यस, मैंने ईद मुबारक कहना था। हाँ, नशमिल ने ईद मुबारक कहना था। चलें जी, अब हम तैयार होते हैं और देखते हैं कि मैं क्या पहन रही हूँ, तो फिर चलते हैं। वैसे मैंने सोचा हुआ है कि मैंने पहनना क्या है, तो खोलते हैं अपनी अलमारी। जैसा कि आपको पता है कि ईद उल फितर यानी फितराने वाली ईद कहा जाता है, और ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है, इसलिए कि इस ईद पर लोग लजीज सवैयों, शीरखुरमे और मज़ेदार मिठाइयों से मेहमानों के हैं। सुबह ईदगाह में ईद की नमाज़ का बड़ा इज्तिमा होता है। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। बच्चों की खुशी तो इस रोज़ दो चंद हो जाती है, क्योंकि बड़ों से ईदी मिलती है और वो खुशी से फूले नहीं समाते। मुझे मिल गया है जनाब अपना ड्रेस, और इस पर बहुत ही सिंपल है, इस पर पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ ज्वेलरी क्या पहनूँ। तो ज्वेलरी जो है मुझे कुछ ख़ास नहीं पहननी, बस मैं सोच रही हूँ एयरिंग्स देख लूँ या कुछ झुमके से, जो मेरे इस वाइट सूट के साथ चल जाए अभी। अच्छा, ये तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं ना एक और भी मेरे पास हैं जो ज़रा छोटे से हों, वो मैं देखती हूँ। हाँ, ये छोटे तो नहीं है, पर चलें ये पहन लेते हैं। ये भी नहीं, ये तो और उससे बड़े हैं। नहीं, जो पहला वाला वही वाला ठीक है। बाकी ये जिस तरह मैंने इन चीज़ों की हालत की हुई है ना, मुझे चाहिए कि मुझे थोड़ा सा इसको सेटिंग करके ना फिर मैं इसको दोबारा अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि ज़रा तरतीब से चीज़ें रखी हों ना, तो वो फिर हमें चीज़ें निकालने में आसानी हो जाती है। इनको ज़रा मैं साइड पे करती हूँ चूड़ियाँ वगैरह को। और ये देखिए, ये हो गई सेटिंग। अब एज़ इट इज़ मैंने इसको अलमारी में रख देना, ताकि मुझे निकालने में आसानी हो जाए। और मेहंदी जो है वो भी लगानी थी रात को, पर मेरे पास टाइम नहीं था। चलें, अभी तो हमारे पास दो दिन और हैं ईद के, तो मैं ये लगा लूँगी मेहंदी। ये कड़े तो बिल्कुल भी नहीं है नहीं पहनने, क्योंकि बस ठीक है एयरिंग्स ही मैं पहनूँगी। और अब मैं ज़रा जल्दी से थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लूँ, तो फिर मैं आपको दोबारा से अपनी वीडियो दिखाती हूँ। नहीं जी, मैंने मेकअप भी कर लिया है, अब मैं अपने कमरे से नीचे जाती हूँ। मैं आपको अपने फुल लुक जो है नीचे जाके दिखाती हूँ। शूज तो मैंने देखा ही नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लेकिन मैंने तो इयररिंग्स पहने ही नहीं। चले, मैं इयररिंग्स पहनती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ।
बहुत अच्छी लग रही हूँ, मेकअप अब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, माला तो हर किसी